नमस्ते। 1528 से पहले राम मंदिर अयोध्या में था, पर क्या हुआ कि राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद को बनाया गया। बहुत सारे नेता क्या कह रहे हैं, जो राम मंदिर में पैसा लगा है बनने में, ये पूरा पैसा का बर्बादी है। पर मैं इनको बता दूं कि राम मंदिर बनाने में जितना भी पैसा लगा है, एक भी पैसा सरकार का नहीं लगा है। तो किसका पैसा लगा है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। ये हमें सभी को पता है, श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। जब श्री राम जी ने लंका में जाके रावण का अंत करके जब अयोध्या में आए, तब इनके नाम पर क्या बना, राम मंदिर। पर 1528 में इंडिया पर कौन राज कर रहे थे, मुगल किंग बाबर। तो ये क्या हिंदू के अगेंस्ट, तो इन्होंने अयोध्या में क्या किया, तो राम मंदिर था इसे तोड़ के क्या इन्होंने बनाया, मस्जिद, क्योंकि ये हिंदू के खिलाफ थे। इसका नाम क्या रखा गया, बाबरी मस्जिद। तब से हिंदू और मुस्लिम में विवाद है। हिंदू कह रहे थे कि यहाँ राम मंदिर होना चाहिए, अब मुस्लिम क्या कह रहे थे कि अब मस्जिद होना चाहिए। तब से इनमें क्या झगड़ा हो, इसके कारण हजारों को क्या जान गया। कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने का तैयार नहीं था। हिंदू क्या कह रहे थे, यह राम मंदिर होना ही चाहिए। अब मुस्लिम क्या कह रहे थे, यह मस्जिद होना ही चाहिए। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो तुरंत 2 साल बाद 1949 में मस्जिद में बहुत सारे हिंदू श्री राम जी की मूर्ति जाके मस्जिद में रख के क्या पूजा कर रहे थे हिंदू। तो मुस्लिम को जब पता लगा तो झगड़ा और बढ़ गया। 1949 में इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा कि जो राम मूर्ति है इसे हटाना पड़ेगा, ना तो ये लड़ाई और बढ़ेगा। बहुत सारे नेता लोग क्या कहे कि ऐसा करने से झगड़ा और बढ़ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ये जगह को सीज कर दिया। मुस्लिम वर्ग के लोग भी केस करे कि इधर मस्जिद होना चाहिए। जो हिंदू वर्ग के लोग थे ये भी केस कर रहे थे क्या, यहाँ राम मंदिर होना चाहिए। ये केस बहुत ही लंबा चला। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसका अंतिम निर्णय क्या होगा, नवंबर 9, 2019 को इस दिन क्या अंतिम निर्णय होगा कि राम मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिया का एक पॉपुलर एजेंसी है ASI, इसको क्या ये काम सौंपा कि इधर जाके रिसर्च करो, सच में अगर राम मंदिर होगा, अगर कोई भी सबूत मिलेगा तब यहाँ राम मंदिर बनेगा, अगर अगर सबूत नहीं मिलेगा तो इधर क्या बनेगा, मस्जिद। 9 नवंबर 2019 को 3 सबूत जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इधर राम मंदिर बनेगा। पहला सबूत क्या था, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, एक स्टोन था जिसमें 20 लाइन में कुछ लिखा था। इसमें से 19वीं लाइन में क्या लिखा था, ये मंदिर जिस राजा का है जिसने 10 सिरों वाले राक्षस को मारा है। ये हमें सभी को पता है, श्री राम जी ने रावण को मारा था जिसके 10 सिर थे। दूसरा सबूत, मस्जिदों में क्या मिला, हिंदू बेल। सभी को पता है जो इस्लाम धर्म में बेल नहीं रहता, पर मस्जिद में क्या हिंदू बेल मिला। तीसरा सबूत क्या था, पिलर विथ कलश स्कल्पचर, मस्जिद में 12 पिलर्स मिले जहाँ पर क्या कलश का स्कल्पचर था, मीन्स कलश यहाँ बनाया गया था। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इधर राम मंदिर बनेगा। फाइनली राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अब 22 जनवरी को राम मंदिर का क्या उद्घाटन है। इसमें लगभग 7,000 लोगों को क्या इन्विटेशन मिला है। इसमें से 4,000 क्या है, संत है, मीन्स 4,000 संतों को बुलाया गया है। और 3,000 VVIP लोग हैं जिनमें क्रिकेटर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, एक्टर हो गए। जैसे क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एक्टर में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, बिजनेसमैन में रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, और पॉलिटिशियन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ थे। तो ये सब लोगों को बुलाया गया है 22 जनवरी को, क्योंकि 22 जनवरी का राम मंदिर का क्या उद्घाटन है, या आप क्या कह सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा है। और आप भी 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारे नेता क्या कह रहे हैं, जो राम मंदिर बनने में पैसा लगा है, जो पैसा सरकार ने लगाया है, ये पैसा पूरा बर्बादी है। तो मैं इनको बता दूं कि सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है राम मंदिर बनने में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर बनेगा, तब बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं इन्होंने क्या करा, पैसा डोनेट किया। तो लगभग 3,500 करोड़ टोटल डोनेशन हुआ क्या, राम मंदिर बनने के लिए। ट्रस्ट के लोग थे, इन्होंने क्या किया, 3,500 करोड़ को जाकर बैंक में पैसा रख दिया। तो जो बैंक से ब्याज मिला ना, यही ब्याज से क्या बन रहा है, राम मंदिर। बहुत सारे नेता खराब खराब बात बोल रहे हैं, जैसे जितेंद्र अवैध, ये क्या कह रहे हैं, तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था, कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था,
आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। ये भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो रामभक्ति है ना। राम जी मांसाहारी थे। अब देखिए, इन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है, अगर कोई भी अच्छा काम करेगा ना इनके ओपोजिशन में तो इसका विरोध करेंगे, चाहे इनके सामने इनके पिताजी भी हो चाहे भगवान हो। इनको नहीं पता है कि भगवान से बात करने तो कैसे बात किया जाता है। तो ये क्या कह रहे, मांसाहारी था। हमें सभी को पता है कि श्री राम जी एक शाकाहारी थे। अब पहले के जितने भी जो सनातन धर्म के मानने वाले थे ये सब क्या शाकाहारी थे। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए राम मंदिर पाकिस्तान कश्मीर हिंदू मुसलमान मोदी जी इस हिसाब का उपकार करें कि राम जी को मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम तो मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सबसे बचने की जरूरत है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पैदा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे, बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है, जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से भी माफ कर दिए, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कनकन में है ना, जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवान ले आए। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों, अगर आप बीमार है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे कि राम मंदिर में जाएंगे? राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए। पर मैं इन्हें बता दूं, अगर कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाता है, अगर इनके पास पैसा नहीं होता है तो ये क्या कहते हैं, ए भगवान मुझे पैसा दिला दो। मान लीजिए अगर आपको खाने का पैसा नहीं होता तो आप क्या कहते हैं, ए भगवान मुझे खाना दिला दो। ये भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर श्री राम जी ने रावण को नहीं मारा होता तो आज हम नहीं होते, क्योंकि पूरे दुनिया में कौन राज कर रहे थे, राक्षस। राक्षस हमें खा जाते तो हम लोग ये दुनिया पर नहीं होते। ये क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे कि श्री राम जी भगवान है तो क्या ये अपना मॉल अपने आप से नहीं बनवा सकते, ये हम लोग बनवाएंगे। पर इन्हें बता दो कि जो माँ बाप होते हैं ये कभी भी नहीं कहते हैं कि मेरे लिए घर बना दो। जो भगवान जी ने पूरा दुनिया को बनाया है, क्या इनके लिए हम लोग एक मंदिर नहीं बना सकते? ये हमें सभी को पता है कि श्री राम जी का जन्म कहाँ, अयोध्या में हुआ है, तो क्या इनके लिए हम एक मंदिर नहीं बनवा सकते? पर नहीं, इनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। जितने भी बीजेपी को अपोजिशन में तो बहुत सारे नेता हैं क्या, ये खाली भगवान जी के बारे में गलत गलत चीज़ बोल रहे हैं। और जो भी हिंदू हैं जो 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, वो फाइनली 22 जनवरी आने वाला है, आपने जैसा स्वागत करने में लगे हैं इस स्वागत में लगिए। जितने भी हिंदू लोग हैं ये 22 जनवरी का क्या अपने घर पर दिए जलाएंगे? माना जा रहा है कि 22 जनवरी को दीपावली मनेगा, तो सब लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। जो बीजेपी के विरोध में भगवान के बारे में गलत गलत चीज़ कह रहे हैं, इनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप भी श्री राम जी को मानते हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में कोई भी शिकायत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।